हेलो फ्रेंड्स, आई एम पौशाली। वेलकम टू ब्यूटी फूडी लाइफ। आज हम लड़कियों की या हो लड़कों की, सबकी बालों की एक नॉर्मल प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है डैंड्रफ। इसी डैंड्रफ को हम घर के ही कुछ चीज़ों से आसानी से अपने बालों से दूर कर सकते हैं। वही रेमेडी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। पर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही होम रेमेडीज़ और टेस्टी फूड रेसिपीज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल बटन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस लाऊं तो उसकी अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के लिए हमें सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत है। पहली, एक विटामिन ई कैप्सूल। दूसरी, कोकोनट ऑयल, जो मैं पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ। और उसके अलावा एक एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल आप किसी भी, मैं पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ, पर आप वाव का भी यूज़ कर सकते हो। वो एलोवेरा जेल भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आज की ये रेमेडी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बोल ले लेंगे और इसमें हम आपके बाल जितने बड़े हो उस अनुसार ही, और कितने छोटे हो उसके हिसाब से ही आप ये एलोवेरा जेल लीजिएगा। तो मेरे बाल लंबे हैं तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही लूँगी ऑब्वियसली। मैंने इतना एलोवेरा जेल ले लिया है। इसके बाद इसमें मैं मिलाऊंगी ये पतंजलि का कोकोनट ऑयल। इस कोकोनट ऑयल को भी हम 1 टीस्पून के करीब मिला लेंगे। हो गया। अब इसमें हम मिलाएंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल। तो इस कैप्सूल को भी मैं खोल लेती हूँ, ये ऑयल निकल आएगा। ये ऑयल निकल आ चुका है। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल एक वाइट क्रीम की तरह हो जाएगा। और ये क्रीम सिर्फ आपके बालों से डैंड्रफ दूर करेगा यही नहीं, ये एक बहुत ही अच्छा कंडीशनर भी है। पर ये कंडीशनर यूज़ करने का एक नियम है कि आपको शैम्पू के बाद नहीं, शैम्पू से पहले आपको ये यूज़ करना होगा। इसे बालों पे लगा के रख दीजिए थोड़ी देर के लिए और फिर इसे अच्छे तरीके से शैम्पू से धो लीजिए। देखिए आपके बाल बिल्कुल फ्रीजी लेस हो जाएंगे, बिल्कुल भी वो कंघी में नहीं अटकेंगे। और उसके साथ ऑब्वियसली तो टूटना भी कम हो जाएगा बालों का। देखिए ये क्रीम जैसा हो चुका है। अब क्योंकि हम इसे डैंड्रफ के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमें इसे अच्छे तरीके से हमारे स्कैल्प पर मसाज करना होगा। मसाज करने के लिए हम हाथों में इसे ऐसे रब करेंगे, उंगलियों के ऊपर बिल्कुल टिप पर ले लेंगे और फिर बालों पे ऐसे, बालों के बिल्कुल जड़ों पर हमें अच्छे तरीके से इन्हें मसाज करना होगा। ऐसे मसाज करते करते हमें पूरे बालों पर लगाना होगा और फिर बालों को ऐसे ही 2 घंटे के लिए कम से कम, या 1 घंटा जो आपको आसान लगे, छोड़ देना होगा। आप इसे रात को भी लगा सकते हैं। रात को लगा कर आप सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह उठकर आप धो लीजिए शैम्पू से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। हमें अच्छी तरीके से अपने बालों के जड़ों पर इस क्रीम को पहुंचाना होगा, ताकि हमारे, क्योंकि हमारे जो जड़ है उसी में एक्चुअली डैंड्रफ होता है। डैंड्रफ हमारे जो स्कैल्प है वो स्कैल्प सूख कर बनते हैं, तो इसीलिए हमें ये अच्छे तरीके से हमारे स्कैल्प पर लगाना होगा। मैं अपने बालों पर भी लगाने वाली हूँ। मैं इन्हें बालों पर भी लगा ले रही हूँ अच्छे से। लीजिए, पूरा क्रीम लग गया है। एक बात आपको ध्यान देना होगा, आपको अपने बालों के टिप पर अच्छी तरीके से इसे, इस पेस्ट को लगाना होगा। इससे बालों के टिप जो टूटते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे ही बालों पर अच्छी तरीके से इसे लगा लीजिए और फिर इसे मैं नोट करके छोड़ दूंगी। आप इसे बांध भी नहीं सकते, आप अगर चाहे तो अपने बालों को खुला भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। पर स्कैल्प पर अच्छी तरीके से ये क्रीम लग जाना चाहिए, तभी आपके डैंड्रफ दूर होंगे। इसके बाद मैं शैम्पू कर लूँगी। उसके बाद ही मिलते हैं।
सो फ्रेंड्स, मैंने 2 से 3 घंटे तक अपने बालों पर वो क्रीम लगा के रखा था और उसके बाद मैंने धो लिया और नॉर्मल एयर में अभी बालों को सुखा लिया है। अब मैं आप लोगों के साथ इस रेमेडी से जुड़ी हुई 3 बेनिफिट्स शेयर करने जा रही हूँ। पहला बेनिफिट तो ज़रूर ये है कि आपके बालों में से डैंड्रफ चला जाएगा। दूसरा ये है कि आपके बालों में से फ्रिजीनेस चला जाएगा। और तीसरा इसका एक और बेनिफिट है कि इससे आपके स्कैल्प में हो रहे किसी भी तरीके की इचिंग प्रॉब्लम या फिर इन्फेक्शन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम पूरी तरीके से चली जाएगी। पर हाँ, इस रेमेडी को हमें हफ्ते में कम से कम 2 बार यूज़ करना ज़रूर चाहिए। इसी से हमें इसके 100% बेनिफिट अच्छी तरीके से मिलेगी। इसके अलावा आज भी मैं आप लोगों के साथ 2 ऐसे टिप्स शेयर करना चाहूँगी जो हमारे बालों को और भी थोड़ा अच्छा रखने में हमारी हेल्प करेंगे। सो पहला टिप ये है कि हम अपने भीगे बालों को जब भी सूखा रहे हो ज़ोरों से टॉवल से उन्हें हीट नहीं करना चाहिए या फिर उन्हें बस एक जगह पर किसी तरीके से बांध के रख देना नहीं चाहिए। टॉवल को ऐसे बालों को लेके अच्छे से टॉवल को इसके चारों तरफ हमें रोल कर देना चाहिए और फिर दबा दबा के इसके पानी को निकालना चाहिए पानी के, ताकि हमारे बालों की जड़ों पर थोड़ा सा भी टेंशन क्रिएट ना हो। इसके अलावा दूसरा टिप ये है कि जब भी हम अपने बालों में कंघी करें तो कंघी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अगर प्लास्टिक की हो नॉर्मली, क्योंकि ज़्यादातर लोग ही प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, तो बड़े दांतों वाली कंघी यूज़ करें या फिर लकड़ी की कंघी अगर यूज़ करें तो वो बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा जो पैडेड ब्रशेस होते हैं, जो मोटे ब्रशेस होते हैं ऐसे, वो बहुत अच्छे होते हैं बालों के लिए और हमारे स्कैल्प के लिए भी। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे के रेड वाले सब्सक्राइब बटन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ उसके अपडेट आपको मिल जाए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।